हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप डेरिवेटिव चैप्टर को मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, एक्सरसाइज नंबर 5.6 तक हमने अब तक सारे के सारे सम बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट किए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेवल का डेरिवेटिव है, वो क्या है? 5.7 एक्सरसाइज 5.7 के लिए आपको एक टर्म सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इसको मैं देख के पहचानूंगा कैसे। कई बार इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको कई सारे सम के अंदर ऐसा भी बोला होगा कि भाई प्रूव दिस दिस दिस, ओके। तो इन दैट केस यू हैव डन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको उसको पहचानना है, ओके। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, देन dy वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स वाई डैश वाई वन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या लिखी फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। तो अगर आपको कहीं पे y1 दिख जाए, कहीं पे y डैश, ये y की पावर 1 नहीं, ये y का डैश, अगर आपको कहीं पे y डैश दिखे, कहीं पे y1 दिखे, कहीं पे f डैश ऑफ x दिखे, अगर ऐसा दिखेगा तो आप तो पहचान जाओगे कि हाँ सर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसी टर्म का मैं वापस एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, ओके। इन शॉर्ट, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो मैं y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, तो ऐसा 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 आपको मिलेगा। कई बार क्या होगा कि इसी टर्म का एक बार मैंने डेरिवेटिव किया है और उसी टर्म का वापस से एक बार डेरिवेटिव करना है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड टाइम डेरिवेटिव या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। या फिर यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे वाई डबल डैश लिख सकता हूँ, यहाँ पे वाई टू लिख सकता हूँ, यहाँ पे डी स्क्वायर by dx square of f of x लिखूंगा, इसको मैं बोलूंगा second order derivative, okay। तो आपको कई बार सम में y double dash देखने को मिलेगा, y2 देखने को मिलेगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा, ओके। कहीं ना कहीं पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, एक्सरसाइज नंबर 5.7 जो दिया है वो एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। अगर आपको 5.2 से लेके 5.6 एक्सरसाइज आती है अच्छे से, तो आप वो कर सकते हो, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना, ओके। ओके डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये फर्स्ट सम। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, x की पावर 20, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ दिया है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुझे ये पता है मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे मुझे बोला है फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले मैं dy वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, ओके। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वापस इसका डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, 2 × 1 + 0, द आंसर इज इक्वल टू 2, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया है, कोई x का 20 पावर दिया, यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आ गया मतलब 20 आ गया x की पावर 19। और एक बार अगर डेरिवेटिव करना है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 20 था इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, 19 आ गया इंटू एक्स के 18, ओके तो मुझे क्या मिल गया, ओके प्लीज एक बार देख लीजिए, ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मुझे दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे dy by dx is equal to पहला as it is, दूसरे का डेरिवेटिव, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा डेरिवेटिव का, पहला as it is दूसरे का डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन x प्लस दूसरा as it is पहले का डेरिवेटिव होता है 1, तो आंसर विल बी माइनस x साइन x प्लस cos x, ये मुझे क्या मिला dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे ये मिला। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, वापस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, तो मैं क्या लिखूंगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस बाहर रखिए इसका मुझे वापस डेरिवेटिव करना है, पहला इज इट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कौन है साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, प्लस दूसरा इज इट पहले का क्या होगा 1, ओके प्लस कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, इन शॉर्ट अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन दोगे तो मुझे माइनस कौन दर, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स, ये मुझे मिल गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स इज द राइट आंसर। तो ये मैंने क्या किया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया, मुझे कुछ ऐसा आंसर मिला। तो यहाँ पे आप एक काम भी कर सकते हो, माइनस को कॉमन निकाल के बाहर रखो तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर मुझे कुछ बोला है log x, y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन y इज इक्वल टू log x के फॉर्म में दिया है, ओके बस एकदम सिंपल dy फर्स्ट ऑर्डर कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, नाउ डिफ्रेंशिएट वापस विथ रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स की माइनस वन पावर है, ठीक है ये पावर आगे मतलब माइनस वन आगे, एक पावर का मतलब एक्स की माइनस वन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो गया मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक जाते हैं, फिफ्थ सिक्स दोनों, अगर मुझे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है तो फिफ्थ का डेटा कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्स का क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ओके हमारा रूल क्या बोलता है, पहले मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा, ओके यहां पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा एज इट इज पहला क्या है एक्स क्यूब उसका पावर आगे एक पावर कम, ऐसा एक कट हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ओके ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला डेरिवेटिव का। नाउ अब आपका काम क्या है, इसी टर्म का मैं वापस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इसका वापस एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर आगे एक पावर कम, प्लस सर इस टर्म का अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो थ्री को बाहर निकालो, निकाल दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का क्या होगा वन अपॉन एक्स प्लस दूसरा एज इट इज पहले का एक्स स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम, ठीक है ये बेसिक सम हमने जो वीडियो में एक वीडियो बनाया बेसिक सम ऑफ डेरिवेटिव उसी के ऊपर से ये दोनों कट जाएगा यहाँ पे एक्स, तो थ्री इंटू एक्स ये x यहाँ पे बचेगा थ्री अंदर मल्टीप्लाई में दिया ये प्लस
3 इंटू टू तो 6x इंटू लॉग एक्स. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने ये आंसर ला के आपको दिया. अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की. चलिए इस इन दोनों का एडिशन कर सकते हो. ये 5x प्लस 6x लॉग एक्स. ओके ऐसे आप लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6 की बारी. 6 जो सम है वो e raise to x, y is equal to e raise to x into sin something something 5x. ओके डन. आपका काम क्या होगा, मैं डेरिवेटिव करूंगा, सिंपली डेरिवेटिव मतलब dy by dx. अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है. ओके कर लेंगे. पहला एज इट इज मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव. साइन का क्या होगा, cos 5x. जो एंगल है 5x उसका डेरिवेटिव आएगा 5 प्लस दूसरा, तो साइन 5x एज इट इज एंड e रेस टू x का e रेस टू x. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को बाहर निकालो, इन दोनों का e रेस टू x इंटू cos 5x का वापस डेरिवेटिव. तो पहला एज इट इज cos का क्या होगा, माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस cos 5x एज इट इज e रेस टू x का e रेस टू x. ओके फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव मैंने लिख लिया. अब बारी आती है सेकंड टर्म की. सेकंड टर्म क्या है, तो sin 5x यहाँ पे प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का cos 5x इंटू 5. ओके नाउ अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा कि भाई मुझे ये जो 5 दिख रहा है वो यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में. ओके तो ज़रा देखिए, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 25 ई रेस टू एक्स साइन 5x, क्योंकि ये जो माइनस है मैंने इस टर्म को आगे दिया, प्लस 5 ई रेस टू एक्स कॉस 5x हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस ई रेस टू एक्स साइन 5x प्लस 5 ई रेस टू एक्स कॉस 5x. ओके ये 5 ई रेस टू एक्स कॉस 5x, ये दोनों का एडिशन करेंगे 10 हो जाएगा. ओके यहाँ पे माइनस 25 ये प्लस, तो माइनस 24 ई रेस टू एक्स साइन 5x प्लस 10 ई रेस टू एक्स कॉस 5x इज द आंसर. ओके और थोड़ा आगे बढ़ाना है सम को, तो माइन 2x 2 ई रेस टू एक्स को कॉमन निकाल सकते हो. ओके 2 ई रेस टू एक्स आपकी बुक में भी यही किया होगा शायद से, 2 ई रेस टू एक्स को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे ये जो टर्म नेगेटिव वाली वो पीछे लिखूँगा, यहाँ पे 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x ऐसे लिख सकता हूँ बेटा. हाँ ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 था. क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल था, दो बार मैंने डेरिवेटिव किया, आपको आंसर ला के दिया. ओके क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगर मैं 7th देख रहा हूँ तो 7 चलिए, तो 7th सम आपको मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 7th में एक्चुअल में करना क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू 5x है कोई, सॉरी 6x है, कोई बात नहीं, 6x इंटू cos 3x. ओके तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन. चलिए मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे वाई डैश लिख रहा हूँ. सर वाई डैश क्यों लिखा, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ या फिर वाई डैश भी लिख सकता हूँ. पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव ई रेस टू 6x इंटू 6. ओके अब क्या करेंगे, अब y डबल डैश लिखूंगा क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है. ओके ये माइनस 3 को बाहर निकाल, अब डेरिवेटिव किसका e रेस टू 6x एंड साइन 3, तो पहला एज इट इज दूसरे का मतलब cos 3x इंटू 3 प्लस दूसरा एज इट इज e रेस टू 6x इंटू 6. ओके सर ये टर्म का मैंने डेरिवेटिव करके यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6 इसका लिखा e रेस टू पहला एज इट इज, मैं पहले e रेस टू 6x को ले रहा हूँ, पहला एज इट दूसरे का डेरिवेटिव मतलब माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस दूसरा एज इट इज मतलब कॉस 3x एज इट इज पहले का e रेस टू 6x इंटू 6. ओके फ्रेंड्स चलिए
अब यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ माइनस वी को अंदर देके हर एक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा, आपका आंसर बकायदा अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि माइनस वी को अंदर मल्टीप्लाई देना है, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर मिले वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7th मैंने आपको करा दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th तक हम आज के इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके, फिर 10th तक देखो बेटा, 10th सम क्या दिया है, अभी मेरा 8 बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x, ऐसा कोई सम हो जब भी आपके पास, तो आपको अपने रूल के हिसाब से ही आगे बढ़ना है कि अगर मैं यहाँ पे y डैश लिखूँ, y डैश क्यों लिखा, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया बेटा, x किया। ओके बेटा, यहाँ पे 1/1 + x², ये मेरा क्या हो गया, y डैश हो गया। अब अगर मुझे y डबल डैश फाइंड करना है तो ये सम आप कैसे करोगे, ये 1/x की तरह ही करना है। 1/x होता तो मैं कैसे लिखता, x की माइनस 1 लिखता कि नहीं, हाँ, तो बस ओके यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x² का माइनस 1 पावर, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, पूरे की माइनस 1 पावर है तो पावर आगे करो, एक पावर कम करो, मतलब माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ पे 1 + x² कर सकता हूँ। सर कैसे, बस ऐसे ही 1/x होता है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका मैं डेरिवेटिव कैसे करता, पावर आगे, यहाँ पे पावर आगे, एक पावर का मतलब माइनस 1 थी तो माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 + x² है तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1/1 + x² का स्क्वायर इंटू 0 + 2x, मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये मेरा आंसर -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये y डबल डैश मिला, तो ये मैंने डेरिवेटिव किया क्वेश्चन नंबर 8 का, दो बार डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक सम को लेके गए। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, y इज इक्वल टू log x। ओके बच्चे, log x का मीनिंग क्या होता है कि मुझे यहाँ पे log का एंगल पहले log दिया है और कुछ नहीं। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, y डैश मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे फाइंड करना है, अब आपको ये सम आना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी बार डेरिवेटिव आपको इसका कराया है। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ओके, तो यहाँ पे 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, आप अगर आगे के सम देखे होंगे 5.6 के तो उसमें ऐसे सम आ चुके हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/x इंटू log x इज वॉट y डैश। अब अगर वापस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है अपन हमको, तो क्या होगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू, चलो सर ये कैसे करेंगे, बस वैसे ही जैसे हमने ये किया था। ओके, यहां पे आप दो मेथड से जा सकते हो, इस डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको ऊपर, चलिए यहाँ पे मैं डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करके करूँगा। डिवीजन का फॉर्मूला क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब पहला एज इट, नीचे वाला कौन है, एक्स लॉग एक्स, पहला एज इट इज, लॉग का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x। ओके, तो ये दोनों कट हो जाएगा, वैसे भी मेरा आंसर -1 + log x / x + log x² यही आंसर आने वाला था। वैसे भी अगर आप इस मेथड से करते मतलब x इंटू log x को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब x इंटू log x की माइनस 1 पावर करते तो माइनस 1 आगे, x इंटू log x है तो मैंने प्लस क्यों लिखा है, हाँ x इंटू log x, माइनस 1 आगे एक पावर कम मतलब x इंटू log x की माइनस टू पावर को डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा, एंड x इंटू log x का डेरिवेटिव मुझे यही मिल जाएगा, देख लीजिए आप। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मैंने जो किया है वही आप इस मेथड में भी कर सकते हो या फिर इसमें भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10th देखो बेटा, 10th के बारे में मैं आपको थोड़ा, ये सम ऐसे है कि आप अगर सिंपली एक पेन और
पेज लेके बैठ जाओगे, आपसे ये सब होते जाएंगे। ओके, एकदम सिंपल वाई डैश लिख रहा हूँ साइन। चलिए यहाँ पे मैं डेरिवेटिव कैसे करूँगा, पहले साइन की पावर क्या है, 1। तो फर्स्ट ऑर्डर साइन का होगा कॉस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो ये हो गया कॉस लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, यस। क्यों? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव साइन का मैंने किया कॉस, उसके बाद एंगल का, एंगल है लॉग एक्स, लॉग एक्स का होगा वन अपॉन एक्स। ओके, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वापस, तो वाई डबल डैश। यहां पे ये पहला, ये दूसरा, पहला एज इट इज, दूसरा मतलब वन अपॉन एक्स यहां पे लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स, वन अपॉन एक्स को एक्स रेशियो माइनस वन लिखूंगा, प्लस दूसरा एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स लिखूंगा ना बेटा। हा, यहाँ पे कॉस लॉग एक्स इंटू, चलिए इसका क्या होगा आपको पता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा, अब तक बहुत सारे सम में हमने किया है। ओके, प्लस वन अपॉन एक्स, चलिए कॉस का क्या करेंगे, माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग का डेरिवेटिव, क्योंकि कॉस का साइन करने के बाद एंगल क्या है लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स। तो ये बना माइनस वन माइनस कॉस लॉग एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर, ये बना माइनस साइन लॉग एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर। तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकालो बेटा, कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 5.7 एक्सरसाइज के 1 to 10 सम किए, कुछ सम हमने थोड़े फास्ट किए क्योंकि सिंपल डेरिवेटिव है, हर एक स्टेप आपको पता है कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।